हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल द ज्ञान गैलरी में। आज हम इस वीडियो में क्रॉसिंग ओवर के बारे में बात करेंगे। क्रॉसिंग को समझने के लिए लिंकेज की जानकारी होनी चाहिए। लिंकेज से संबंधित कई वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड हैं, जिसे आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसका टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को हिंदी में पारगति कहते हैं। जब दो होमोलोगस क्रोमोजोम के क्रोमेटिड्स के बीच जीनों का आदान प्रदान, मतलब अदला बदली होता है, तब हम उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे हमेशा आपको याद रखना चाहिए। जैसे पहला है, 1909 ईस्वी में जेनसन ने काइजमा का खोज किया था। काइजमा क्या होता है? जब होमोलोगस क्रोमोजोम के क्रोमेटिड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तब जिस बिंदु पर वो क्रॉस करते हैं उसे काइजमा कहा जाता है। तो उस काइजमा का खोज जेनसन ने किया था। दूसरा, 1910 ईस्वी में टी एच मॉर्गन ने क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया था। उस समय मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट, जो कि इनकम्प्लीट लिंकेज से संबंधित था, उसमें बताया कि दो होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच जीनों का आदान प्रदान होता है, जो कि क्रॉसिंग ओवर था। इसके बाद 1912 ईस्वी में मॉर्गन और कैसल ने जीन के विनिमय होने की प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर बताया, मतलब कि क्रॉसिंग ओवर का नामकरण 1912 में मॉर्गन और कैसल ने किया था। अब क्रॉसिंग ओवर को समझने के लिए इस क्रॉस को देखते हैं। यह एक डाइहाइब्रिड क्रॉस है और मान लेते हैं कि उसमें दो जीन हैं। पहला जीन ए है, दूसरा जीन बी है, और उसका रिसेसिव एलील स्मॉल ए और स्मॉल बी है। तो यहाँ दो पेरेंट हैं, यह पेरेंट वन है, यह टू है। इसमें दोनों डोमिनेंट हैं और ए और बी दोनों एक ही क्रोमोजोम पर हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो उसके होमोलोगस क्रोमोजोम पे ये दूसरा ए और बी प्रेजेंट होगा, जबकि दूसरी तरफ स्मॉल ए और स्मॉल बी एक क्रोमोजोम पर होगा और दूसरे होमोलोगस क्रोमोजोम पे ए और बी एक साथ प्रेजेंट होगा। जब इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होगा तो पहले पेरेंट से जो गैमिट बनेगा वह ए बी होगा, जो कि एक ही क्रोमोजोम पे है, मतलब यह एक दूसरे से लिंक्ड है। और यहाँ स्मॉल ए और स्मॉल बी एक साथ होगा, जो कि एक ही क्रोमोजोम पे है। अब इससे जो F1 जनरेशन का ऑफ स्प्रिंग मिलेगा, उसका जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी होगा। यहाँ पर जब इसका गैमिट का फॉर्मेशन होगा तो कुल चार प्रकार के गैमिट बनते हैं। आप इनकम्प्लीट लिंकेज में इस टाइप का चार प्रकार के गैमिट बनते देखे होंगे। तो यहाँ पर ये चार प्रकार का जो गैमिट बनता है, इसमें दो गैमिट जो है वो पेरेंटल हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ जो है ये, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ हैं जो ये। तो ये दोनों तो पेरेंटल है, मतलब पैतृक है, लेकिन ये दो गैमिट जो है वो रिकॉम्बिनेंट हैं। अब यह रिकॉम्बिनेंट गैमिट कैसे बना? यहाँ तो यह ए और बी दोनों एक ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट हैं, तो ये दोनों को साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैपिटल बी कैपिटल ए से अलग हो गया। इसका मतलब है कि इस गुणसूत्र का, जिस पर ये प्रेजेंट होगा, उस गुणसूत्र का कुछ फ्रैगमेंट, कुछ खंड टूटकर इस क्रोमोजोम पे चला गया होगा, और बदले में इस क्रोमोजोम का कुछ खंड टूटकर इस पे चला आया होगा। हम मानते हैं कि जो F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप है वह इस स्थिति में है। यहाँ दो क्रोमोजोम है, यह मान लेते हैं ये पहला क्रोमोजोम है, ये दूसरा क्रोमोजोम है, और पहला क्रोमोजोम पर जीन ए और बी, जो कि दोनों डोमिनेंट है, प्रेजेंट है, और दूसरे क्रोमोजोम पे स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों प्रेजेंट हैं। अब यदि इससे गैमिट का फॉर्मेशन होता है, तो यदि पहला गुणसूत्र में बिना किसी बदलाव हुए वह गैमिट में पहुंचता है, तब यह स्थिति होगा, ए कैपिटल बी एक साथ प्रेजेंट होगा। यदि दूसरा गुणसूत्र बिना किसी बदलाव के गैमिट में पहुंचता है, तब ये स्थिति होगा, जिसमें स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ प्रेजेंट है। लेकिन यदि इसका कुछ खंड आधा से इस पे, मतलब पहले वाले का खंड दूसरे पे चला जाए और दूसरे वाले का खंड पहले पे चला है, तो यह दोनों स्थिति होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी है, क्योंकि बाकी का आधा जो फ्रैगमेंट है वो बदल गया, अदला बदली हो गया, आदान प्रदान हो गया।
तो इससे जो गैमिट बनेगा वह रिकॉम्बिनेंट होगा, यह भी रिकॉम्बिनेंट होगा, यह भी रिकॉम्बिनेंट होगा। कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ है यह रिकॉम्बिनेंट, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ है यह रिकॉम्बिनेंट। तो इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट गैमिट बनता है, और यही जो जीनों का अदला बदली या आदान प्रदान होना है यह क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो यह क्रॉसिंग ओवर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है। क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि को समझने के लिए मियोसिस सेल डिवीजन की जानकारी होनी चाहिए। मियोसिस सेल डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट 5 स्टेप में पूरा होता है। फर्स्ट है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकेटीन, चौथा है डिप्लोटीन और पाँचवा है डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में जो भी क्रोमेटिड होता है वो क्रोमोजोम में स्पष्ट हो जाते हैं। जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर बना लेते हैं, और पैकेटीन में, पैकेटीन यहाँ हमने दो स्टेप में दिखाया, पहले तो वह जो क्रोमोजोम है होमोलोगस क्रोमोजोम है उसका दोनों क्रोमेटिड स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार से दो होमोलोगस क्रोमोजोम से कुल 4 क्रोमेटिड स्पष्ट हो गए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 क्रोमेटिड स्पष्ट हो गया। तो यह 4 क्रोमेटिड वाले जो स्टेज है इसको हम टेट्रावेलेंट स्टेज कहते हैं। अब यहाँ पर जो 4 क्रोमेटिड है इसमें पहले वाले क्रोमोजोम का क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोजोम के क्रोमेटिड के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, मतलब यह क्रोमेटिड इस क्रोमेटिड के लिए नॉन सिस्टर है, या यह क्रोमेटिड इस क्रोमेटिड के लिए नॉन सिस्टर है। तो होमोलोगस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच ही क्रॉसिंग ओवर होता है। अब आप इस स्टेप को देख सकते हैं, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, एक को मैंने रेड से और दूसरे को ग्रीन से दिखाया, उसके बीच क्रॉस होता है, और ये बिंदु जो है वहाँ क्रॉस हो रहा है। तो क्रॉस जिस बिंदु पे हो रहा है उसी को काइजमा कहा जाता है। जेनसन ने इसी काइजमा को खोजा था। अब यहाँ पर जीन का अदला बदली होता है, मतलब कि पहले गुणसूत्र का कुछ खंड टूटकर दूसरे गुणसूत्र पर चला जाता है, और दूसरे गुणसूत्र का खंड पहले गुणसूत्र पर पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया डिप्लोटीन तक चलता है। डिप्लोटीन में क्या होता है कि यह गुणसूत्र थोड़ा छोटे हो जाते हैं और क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद डाइकाइनेसिस में दोनों क्रोमोजोम अलग हो जाते हैं स्पष्ट रूप से। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला क्रोमोजोम का एक क्रोमेटिड तो स्पष्ट रूप से पहले जैसा ही है, लेकिन दूसरा क्रोमेटिड में यह जो खंड है यह बदल चुका है। उसी प्रकार से दूसरे क्रोमोजोम में एक क्रोमेटिड तो पहले जैसा है, लेकिन एक क्रोमेटिड में थोड़ा खंड बदला हुआ है। तो यहाँ पर इन दोनों क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर हुआ है। इसके बाद यह पांचों स्टेप पूरा होने के बाद मेटाफेज फर्स्ट होता है, इसके बाद कई स्टेप्स होते हैं। ये सभी स्टेप्स पूरा होने के बाद मियोसिस सेल डिवीजन पूरा होता है, और उससे 4 प्रकार के सेल्स बनते हैं जिसमें यह 4 प्रकार के क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे। यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह क्रोमोजोम और यह क्रोमोजोम पेरेंटल है, लेकिन यह दोनों रिकॉम्बिनेंट हैं। यह चारों हैप्लोइड सेल हैं, इसी से गैमिट का फॉर्मेशन भी होता है। तब यहाँ पर 2 गैमिट पेरेंटल होगा जबकि 2 गैमिट रिकॉम्बिनेंट होगा। क्रॉसिंग ओवर का जो मुख्य मैकेनिज्म है यहाँ समझने लायक है कि एक क्रोमोजोम का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड दूसरों क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से क्रॉस करता है। यह जो काइजमा बना है यहाँ मैंने सिर्फ एक काइजमा दिखाया। ऐसा होता है कि कई सारे काइजमा बनते हैं, मतलब कि जब क्रोमोजोम कई स्थान पर क्रॉस करते हैं, जैसे एक बार यहाँ, दूसरे बार यहाँ, तीसरे बार यहाँ, तो कई स्थान पर जब क्रॉस करते हैं तब कई काइजमा बनते हैं। काइजमा की संख्या के आधार पे क्रॉसिंग ओवर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल क्रॉसओवर। सिंगल क्रॉसओवर में सिर्फ एक काइजमा बनता है। उसके बाद होता है डबल क्रॉसओवर। डबल क्रॉसओवर में 2 काइजमा बनता है, मतलब एक बार क्रॉस किया और फिर दोबारा क्रॉस कर लिया। हम ये मान लेते हैं कि ये क्रोमेटिड है,
तब दो बार जो क्रॉस करता है तब वह डबल क्रॉस कहलाता है, और जब दो बार से अधिक कई बार करता है तब उसे हम मल्टीपल क्रॉस ओवर कहते हैं, मल्टीपल क्रॉस ओवर कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको क्रॉसिंग ओवर का यह क्रियाविधि समझ में आया होगा। क्रॉसिंग ओवर के कई फायदे भी हैं। क्रॉसिंग ओवर के कारण नए गुणों का रिकॉम्बिनेशन होता है जिससे प्रजातियों का विकास होता है। यह लैंगिक जनन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे जीवधारियों में विकास की प्रक्रिया चल रही है। मुझे आशा है कि आप क्रॉसिंग ओवर समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।